दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का देर रात किया गया ट्रांसफर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जज के तबादले पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा न्याय का मुंह बंद करना चाहती है सरकार। दिल्ली हिंसा मामले पर तेज हुई सियासत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शरद यादव समेत कई नेताओं ने दिल्ली हिंसा पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति से मांगा समय। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने नेताओं के एक समूह के साथ बैठक करने के लिए राष्ट्रपति से मांगा है वक्त। दिल्ली हिंसा में 20 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, मामले पर अदालतें सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल, अमन बहाली की कमान एनएसए अजीत डोभाल के हाथ में। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हो रही हिंसा ने व्यापारियों की भी बढ़ाई परेशानी, छोटी मार्केट के साथ होलसेल मार्केट का धंधा भी हुआ मंदा, रोज 100 करोड़ का हो रहा है नुकसान। आज छत्तीसगढ़ में सीए के खिलाफ उतरेगा सर्व आदिवासी समाज, रैली से पहले रायपुर के इंडोर स्टेडियम में होगी बड़ी सभा, 21 आदिवासी समाज लेंगे भाग, आदिवासी विधायकों को भी भेजा गया न्योता। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, 26 मार्च तक चलेगा झारखंड का बजट सत्र। चुनाव में मिली जीत के बाद राज्य का पहला बजट पेश करेगी सोरेन सरकार, 4 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। राजस्थान में आज से बजट पर शुरू होगी चर्चा, राज्य के सीएम और वित्त मंत्री अशोक गहलोत करेंगे चर्चा की शुरुआत। बजट को जनता के हित में बता रही है कांग्रेस, बीजेपी का दावा बजट में आम लोगों का नहीं रखा गया ध्यान। आज रामपुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कल आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे को 2 मार्च तक के लिए भेजा गया था जेल। नीरव मोदी के 112 कीमती सामानों की नीलामी टली, अब 5 मार्च को लगेगी ऑनलाइन बोली, नीलामी में नीरव की जब्त कीमती कलाकृति, महंगी घड़ियां, हैंडबैग और कारें हैं शामिल। आज असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर समेत अन्य राज्यों में बारिश का अनुमान, उत्तर पूर्वी राज्यों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में आज भी बर्फबारी का अनुमान। कोरोना वायरस की चपेट में आए भारतीयों को लेकर चीन से आज देश पहुंचेगा वायु सेना का विमान, चिकित्सा सामग्री की खेप लेकर 26 फरवरी को चीन गया था भारतीय विमान। चीन में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। पाकिस्तान तक भी पहुंचा कोरोना का कहर, पाक में वायरस के 2 मामलों की हुई पुष्टि, सरकार ने नागरिकों को किया आश्वस्त, कहा इससे घबराने की नहीं है जरूरत। अमेरिका के मिलवॉकी में हुई गोलीबारी में 5 लोगों ने गंवाई जान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शूटर को बताया शैतान हत्यारा। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल चीनी सैनिक पीस ऑफ ऑनर से किए गए सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा कार्यों में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया सम्मान। बर्नी सैंडर्स ने की दिल्ली हिंसा पर ट्रंप के बयान की आलोचना, कहा ये लीडरशिप की नाकामी, ट्रंप ने भारत का आंतरिक मामला बताते हुए टिप्पणी करने से किया था इनकार। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के 9वें संस्करण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी हर घंटे कमाते हैं 7 करोड़ रुपए। जीवन बीमा कंपनियां एक बार फिर बेच सकेंगे क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, बीमा नियामक इरडा ने गठित की समिति। LG ने V60 थिन क्यू 5G फोन किया लॉन्च, अपग्रेड डुअल स्क्रीन के साथ पेश किया गया फोन, लोगों में फोन को लेकर काफी वक्त से देखा जा रहा था क्रेज। 3 दिनों तक स्थिर रहने के बाद आज सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, दिल्ली में 4 पैसे हुआ सस्ता, डीजल के दाम में 5 पैसे की हुई गिरावट। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 158 अंक के स्तर पर खुला, निफ्टी ने 40 अंकों की गिरावट के साथ की कारोबार की शुरुआत।